एनकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। सिंधुदुर्ग के मालवणी में स्कूबा डाइविंग करते समय डूबी नाव, हादसे में हुई दो लोगों की मौत। किसानों की याद में लगाई गई किसान की प्रतिमा, इस समय देश के अन्नदाता किसान की प्रतिमा का किया गया अनावरण। और पाचोरा में आयोजित किया गया किसान प्रशिक्षण वर्ग, फसल के संबंध में किसानों को दिया गया बहुमूल्य मार्गदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। सिंधुदुर्ग के मालवणी में तारकरली समुद्र में स्कूबा डाइविंग करते हुए एक नाव डूब गई। 20 पर्यटक स्कूबा डाइविंग से वापस जाते समय यह हादसा हुआ। दो की मौत हो गई और 6 पर्यटकों को इलाज के लिए मालवण ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तारकरली समुद्र में नाव डूबने से आकाश देशमुख और स्वप्निल पाइस, इन दोनों की मौत हुई है। जालना के परतूर में एक गली को पाकिस्तान स्ट्रीट कहा जाता है। इस प्रकार की परतूर नगर पालिका की कर वसूली की रसीद सामने आई है। वर्तमान में परतूर नगर पालिका कांग्रेस के नियंत्रण में है। इसके अलावा इससे इस मौके पर नगर पालिका के अराजक मामले भी सामने आए हैं। इस बीच परतूर के भाजपा विधायक बबन राव लोणीकर ने सवाल किया है कि क्या कांग्रेस परतूर में पाकिस्तान बनाना चाहती है और इस घटना का विरोध किया। लोणीकर ने मांग की है कि दोषियों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए। परतूरची नगरपालिका गेल्या 25-30 वर्षापासून काँग्रेस पक्षाच्या ताब्यात आहे, एक हाती सत्ता आहे। या नगरपालिकेने चक्क परतूर शहरामध्ये एका गल्लीला पाकिस्तान गल्ली असं नाव दिलं आहे। या वार्डातल्या या गल्लीतल्या लोकांना नगरपालिकेच्या लेटर पॅडवर मालमत्ता कर वसुलीच्या नोटिसा आल्यात आणि या नोटिसावर प्रत्येकाला पाकिस्तान गल्ली असं लिहिलं आहे। म्हणजे काँग्रेस पार्टीला काय साध्य करायचं आहे किंवा या ठिकाणच्या सीओंना काय साध्य करायचं आहे? महाराष्ट्रात परतूरला पाकिस्तान निर्माण करायचं आहे का? या घटनेचा आम्ही तीव्र शब्दात निषेध करतो। राष्ट्रभक्त असणारे मुसलमान कदापिही परतूर शहरातल्या या गल्लीला पाकिस्तान गल्ली असं मान्य करणार नाही। मुस्लिम समाजसुद्धा या घटनेचा निषेधच करेल। काँग्रेस पक्षाला काय साध्य करायचं आहे? विकासाचे प्रश्न आहेत ना, पिण्याच्या पाण्याचे प्रश्न आहेत, रस्त्याचे प्रश्न आहेत, विकासाचे प्रश्न आहेत, भूमिगत गटारचे प्रश्न आहेत। मी तर या शहरामध्ये मंत्री असताना 350 कोटी रुपयाची कामं केलीत, मात्र नगरपालिकेच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून काँग्रेस हादरलेली आहे, भयभीत झालेली आहे आणि त्यांनी मुद्दा म्हणून हा खोडसाळपणा केलेला आहे। पाकिस्तान गल्ली नाव दिलेलं आहे। पाकिस्तान गल्ली नाव देणाऱ्यावर देशद्रोहाचा खटला भरला पाहिजे आणि त्यांना जेलमध्ये डांबलं पाहिजे, अशा प्रकारची मागणी मी आज जिल्हाधिकारी आहेत, जिल्हा पोलीस प्रमुख आहेत यांच्याकडे केली आहे। कोकण रेलवे का काफिला रेलवे ट्रैक की जांच के लिए कोकण रेलवे में प्रवेश कर गया है। स्पोर्ट्स कार के सड़क पर चलने की तरह ये स्पोर्ट कार रेलवे ट्रैक पर चलती है। ऑस्ट्रेलिया में बनी स्पोर्ट कार कोकण रेलवे के साथ पहले सप्ताह से सेवा में है। वर्तमान में ये कार कोकण के कंकावली में है और रोहा से कंकावली तक के रेलवे ट्रैक पर इस स्पोर्ट कार को चेक किया जा रहा है। ये स्पोर्ट कार हर दिन 40 से 50 किलोमीटर रेलवे ट्रैक की जाँच करती है। इस कार की एक और खासियत है, ये है कि रेलवे ट्रैक के साथ साथ ये सड़कों पर भी चलती है। स्वतंत्रता संग्राम हो या अकाल, कोरोना जैसी महामारी या देश पर आक्रमण, आम आदमी की भूख मिटाने वाली फैक्ट्री हमेशा इस देश की श्रम शक्ति यानी किसान द्वारा चलाई जाती है। ऐसे किसानों की याद में किसान की प्रतिमा लगाई गई है। राज्य के पशुपालन, डेयरी व्यवसाय, युवा और खेल मंत्री सुनील केदार ने कहा कि इस कार्यबल को सम्मानित करने में फटारी के लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। स्वतंत्रता संग्राम में किसानों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देशभक्ति से प्रेरित होकर कई किसानों ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। साथ ही देश में खाद्यान्न की नियमित आपूर्ति बनी रही। कोरोना महामारी के दौरान जब तमाम उद्योग धंधे ठप पड़े थे, तब किसानों का कारोबार नियमित था। ऐसे किसानों की याद में यह प्रतिमा लगाई गई है। सुनील केदार ने इस समय कहा कि किसानों के प्रति कृतज्ञता की भावना पैदा करने के लिए राज्य में इसी तरह की मूर्तियां लगाई जानी चाहिए।
मंत्री सुनील केदार से प्रेरित होकर ग्राम पंचायत फाटारी में देश का पोशिंदा शेतकरी की प्रतिमा लगाई गई। वे आज प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर बोल रहे थे। समारोह की अध्यक्षता कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कराड़ के कुलपति वेद प्रकाश मिश्रा ने की, जबकि जिला परिषद अध्यक्ष रश्मि बर्वे, पूर्व मंत्री रमेश बंग, कृषि एवं पशुपालन अध्यक्ष तापेश्वर वैद्य, शिक्षा एवं वित्त अध्यक्ष भारती पाटील, महिला एवं बाल कल्याण अध्यक्ष उज्ज्वला बोढारे, नागपुर ग्रामीण पंचायत समिति अध्यक्ष रेखा वर्टी, जिला परिषद सदस्य कुंदा राउत, ममता धोपटे, दिनेश बंग, कृषि उपज मंडी समिति के अध्यक्ष अहमद शेख, पंचायत समिति सदस्य रूपाली मनोहर, प्रीति अखंड, महुरजारी सरपंच संजय कुंटे उपस्थित थे। वीकेबी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ वैदी चव्हाण की रिपोर्ट। महाराष्ट्र राज्य कृषि विभाग पचोरा, निर्मल सीड्स प्राइवेट लिमिटेड पचोरा और कृषि विज्ञान केंद्र जलगांव संयुक्त रूप से प्रायोजित कपास फसल संगोष्ठी के तहत राज्य प्रायोजित एकीकृत कपास फसल उत्पादकता वृद्धि और मूल्य श्रृंखला विकास योजना और तालुका स्तरीय खरीफ प्री सीजन किसान प्रशिक्षण वर्ग आज सरोला रोड पर समर्थ लॉन्च में सुबह 11 बजे आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक किशोर पाटिल ने की, जबकि जिला कृषि अधीक्षक संभाजी ठाकुर, निर्मल सीड्स प्राइवेट लिमिटेड निदेशक वैशाली सूर्यवंशी, जिला परिषद सदस्य रावसाहेब पाटिल, प्रगतिशील किसान विश्वासराव शेलके, रमेश बापना, प्रकाश देशमुख सहित बड़ी संख्या में क्षेत्र के किसान मौजूद थे। इस समय डॉक्टर डीबी चौधरी, डॉक्टर हेमंत बाहेती, डॉक्टर महेश महाजन, वैभव सूर्यवंशी, प्राध्यापक सुदाम सिंह राजपूत, अनिल भोकारे, किशोर पटोले, पचोरा तालुका कृषि अधिकारी रमेश जाधव ने कपास की फसल के संबंध में किसानों को बहुमूल्य मार्गदर्शन दिया। रबर वंकर चंदन शो राहार सावड़ा बुद्रो क्या ठिकाणी शेती करता 10-20 वर्ष झाले आम्हाला शेतीचं सुख आम्हाला भाग्यवर्ष चांगलं वाटलं आणि त्याच्यानंतर आम्ही अशी शेती करत असतो अजून चांगल्या बरोबर करू बा। थोडं ऊन आलेलो आहे तालुका पाचोरा जिल्हा जळगाव। मी इथं प्रशिक्षणासाठी आलेलो आहे। आज चांगल्या पद्धतीनं तिथं मला संभाषण वाटलं त्यांचं भाषण, पीक पाणीचं पूर्व आयोजन केलं त्यांना चांगल्या पद्धतीने माहिती मिळाली। पहिल्यांदा वेळेस मी माहिती बघत आहे अशी बार बार माहिती यावी याची विनंती करतो। बोला, मी माझं नाव सुशील शंकरराव पाटील, राहणार हो तालुका पाचोरा जिल्ह्याला। मी आता इथे कृषी अधिकाऱ्यांनी शेतीसाठी काही उपयोजना, कापूस लागवडीसाठी काही उपयोजना कशा करायच्या, लागवड कशी करायची त्याच्याविषयी माहिती देत आहे। ते ऐकण्यासाठी मी आलेलो आहे आणि ते उत्तम प्रकारे माहिती देत आहे। कृषी अधिकारी इथले पाचोऱ्याचे, त्यांनी हा कार्यक्रम राबवला, शेतकऱ्यांना मदत दिली कसे शेतीमध्ये उत्पन्न वाढेल, कसं तुमचं कीड नियंत्रण होऊ शकतं अशी माहिती दिली। असा कार्यक्रम अजूनपर्यंत कधी झालेला नव्हता, आता चांगला झाला। असे कार्यक्रम जर होत गेले तर शेतकरी निश्चितच पुढे जाईल। हा कार्यक्रम असे व्हायला पाहिजे। बघतो, चला एक ब्रेक का मिळते, एक छोटेसे ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities। Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक, नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हादसों को ध्यान में रखते हुए घातक खदानों को बंद करने की मांग को लेकर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आरपीआई द्वारा आज कल्याण में तहसीलदार कार्यालय में आक्रोश मोर्चा का आयोजन किया गया। डोंबिवली के पास संदब गांव में एक ही परिवार के खदान में कपड़े धोने गए हुए 5 सदस्य डूब गए, जिससे उनकी मौत हो गई। इन घातक खदानों को बंद करने की मांग को लेकर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आरपीआई द्वारा आज कल्याण में तहसीलदार कार्यालय में आक्रोश मोर्चा का आयोजन किया गया। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आंदोलन में हिस्सा लिया, नारे लगाए और कल्याण तहसीलदार को ज्ञापन दिया। कल्याण डोंबिवली क्षेत्र में खदानों को हटाया जाना चाहिए, महाराष्ट्र सरकार की ओर से मृतक को आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए, महार भूमि माफियाओं से छुड़ाकर दलितों को दे, अमृत योजना के अंतर्गत प्रत्येक झोपड़पट्टी, दलित बस्तियों में नल योजना, ऐसी प्रमुख मांगें की गई। उन्होंने भारतीय रिपब्लिकन पार्टी की ओर से एक उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। भोपर या ठिकाणी देसलेपाड़ा नांदिवली इथे 5 लोकांचं जीव गेला, त्या संदर्भात ह्या देशाचे केंद्रीय मंत्री रामदासजी आठवले साहेब हे त्यांच्या घरी भेट देण्यासाठी आले होते आणि त्यांनी जे चित्र बघितलं, जे खदानीच्यामुळे मृत्यू गेला त्यांचा, तर माननीय रामदासजी आठवले साहेबांनी कार्यकर्त्यांना आम्हाला हे दिला, आदेश दिले की ताबडतोब या खदानी भिजल्या पाहिजेत आणि या खदानीच्यामुळे या 5 लोकांचा जीव गेला आहे, असे जीव कुठे जायला नको म्हणून ताबडतोब प्रांत कार्यालयावर मोर्चा काढण्याचं हे निवेदन दिलं। परंतु आमच्या मागण्या अशा आहेत की पाण्याची समस्या इथे गंभीर समस्या आहे आणि अटलबिहारी वाजपेयी यांची अमृत योजना जी आहे, ते अमृत योजनेच्या अंतर्गत आपण प्रत्येक झोपड्याला, प्रत्येक घराला, प्रत्येक माणसाला म्हणजे पाणी मिळालं पाहिजे, कारण पाण्यासाठी असे जीव जायला लागले तर ह्या देशा या महाराष्ट्राचं म्हणजे आता काय सरकारला आम्ही काय सांगणार, कारण अशा बऱ्याच ठिकाणी म्हणजे अशा ह्या घटना घडलेल्या आहेत, पाण्यामुळे लोकांचे जीव जातात, पाणी म्हणजे पाणी प्यायला मिळत नाही, ती खूप मोठी दुर्दैवी हे आहे। तर अशा पद्धतीने पाण्याची जी सोय व्हायला पाहिजे आमच्या जिल्ह्यामध्ये, आमच्या घराघरामध्ये पाण्याची व्यवस्था व्हायला पाहिजे आणि ह्या कल्याण डोंबिवलीमध्ये जी खदानं जी आहेत त्या खदानामुळे आज 5 लोकांचा जीव गेला, म्हणून ही खदानं बुजण्याचं काम हे आम्हाला रिपब्लिकन पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी ठरवलेलं आहे आणि जर का प्रशासनांनी जर याच्याकडे दुर्लक्ष केलं तर आम्हाला नक्कीच आम्हाला मग शेवटी मग खदानं बुजण्याचं काम हे आम्ही स्वतः करणार आहोत असं देखील आम्हाला तहसीलदार प्रशासनाला सांगायचं आहे। महारत्नाच्या जमिनीवर जे अतिक्रमण जे केलेलं आहे ते अतिक्रमण हे करावं आणि ज्या लोकांची जी महारत्नाची जागा जी आहे त्या महारत्नांच्या जागेच्या संबंधी त्यांच्या ताब्यात द्यायला पाहिजे। माननीय रामदासजी आठवले साहेबांच्या ज्यावेळेला भेटायला गेले त्यावेळेला तिथल्या स्थानिक लोकांनी निवेदन दिलं की आमच्या महारत्नाच्या जमिनी आमच्या इथे काबीज केलेलं, गावगुंडांनी काबीज केलेलं आहे, त्या जमिनी त्यांच्या ताब्यात त्यांच्या मिळाव्या असं निवेदन दिलं आहे आणि म्हणून रिपब्लिकन पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी आज हा सगळा आम्ही हे घेतलेला आहे आणि त्या पद्धतीने या कल्याण डोंबिवलीमध्ये पाण्याची व्यवस्था ही दूर व्हायला पाहिजे, प्रत्येकाला घर मिळायला पाहिजे, निवारा मिळाला पाहिजे, अन्न मिळायला पाहिजे, ही सरकारची जबाबदारी आहे, सरकारने घेतली पाहिजे आणि याच्याने खदान्यांचा विषय जो आहे तो आपला याचा पाण्याचा विषय आहे आणि महारत्नाच्या जमिनीचा विषय आहे, काही हकस कामगारांचा विषय आहे, हकस कामगार जे काम कष्ट करणारी जी लोकं जे आहेत त्यांचा विषय आहे, त्यांचा विषयाला देखील त्यांना ठराविक जागा त्यांना मिळावी ही देखील आरपीआय पक्षाची मागणी आहे आणि आता आम्ही मोर्चाला आम्ही सुरुवात करतो। हालांकि नागपूर में हत्याओं की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन अब एक चौंकाने वाली हत्या का मामला सामने आया है जिसमें एक पिता ने ही अपने 10 साल के बच्चे को मार डाला है। जी हां, कोराडे पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस द्वारा आगे की जांच जारी है। रविवार दोपहर करीब 3 बजे खुद के बेटे के एक पिता ने हत्या कर दी। इस पिता ने अपने 10 साल के बेटे का गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया है। अपने ही बेटे की हत्या करने के बाद वह अपनी 12 साल की बेटी को लेकर घर से निकल गया। उसने यह दावा करते हुए पुलिस को भी फोन किया कि उनके बेटे ने आत्महत्या कर ली है। कोराडी पुलिस मौके पर पहुंची और संदिग्ध के शव को संदिग्ध पाया। जब पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने हत्या की बात कबूल कर ली, लेकिन हत्या की वजह हैरान करने वाली है। लड़के की माँ उसे छोड़कर चली गई थी। पिता ने कहा कि लड़का दिन भर गाँव में घूमता रहता था और पिता की बात नहीं मानने पर पिता ने गुस्से में उसका गला दबाकर उसे मार दिया। इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस आगे की जांच में जुटी है। आधी मध्ये सर एक सुरा देवी ह्या गावामध्ये सर एका वडिलांनी आपल्या मुलाची हत्या केली आहे। हे गुन्हा कसा का उघडकीस आला आहे? पहिले खूप त्यांनी उरवडू इतर दिले, खूप घुमवले आणि मग सर कसा का त्याला पकडण्यात आला, कसा का त्यांनी आरोप हे केले, काय सांगता येणार?
बरोबर रविवारी आहे ना, ते साधारणतः दुपारी 3 वाजेची घटना आहे. त्याने 3 वाजता आपल्या मुलाला मारलं आणि 12 वर्षाच्या मुलीला घेऊन तो माधुर्याला चालला गेला. त्याच्यानंतर 5 तासानंतर तो परत आला आणि बनाव केला की बाबा मुलगा शोधा. नंतर मुलीला त्याने घराचा दरवाजा उघडायला सांगितला. मग स्थानिक कोराडी पोलिसांनी त्याला बरेच प्रयत्न केले विचारायचे की बाबा कसं झालं काय झालं, पण तो बाध्य येत नव्हता. इवन SCP साहेब यांनी पण त्याला खूप विचारपूस केली, आमच्या युनिटवाल्यांनी पण विचारपूस केली. मग मी काल जेव्हा घटनास्थळाला भेट दिली, खूप बारकाईनं निरीक्षण केलं, तर माझ्या असं लक्षात आलं जो घराचा दरवाजा आहे त्याला तुम्ही बाहेरून आतल्या बाजूची कडी लावू शकता किंवा काठी लावू शकता. नंतर असं लक्षात आलं की त्या जी मुलगी सांगत होती की बॉडी इथं पडलेली आहे, तर एकतर बॉडी आत्महत्या केलेला असा बनाव दाखवलेला आहे, आत्महत्या केली तर ते दोरी तुटत नाही, तुटली तरी गळ्यात राहतेच. तर असं 2-3 मुद्दे माझ्या लक्षात आले की हे तर बनाव आहे असं वाटलं. मग पोलीस स्टेशनला परत आलो, त्याला खूप प्रश्न विचारले आणि मग शेवटी त्याने माझ्याजवळ कबुली दिली की हो साहेब मी केलेलं आहे. त्याला कारण विचारलं तर 5-6 वर्षापूर्वी त्याची बायको चालली गेलेली आहे आणि ह्या 2 लहान लहान मुलांचं सांभाळ तोच करत होता. तर त्याचं म्हणणं होतं की हा मुलगा ऐकत नव्हता बाबा, गावात उन्हाळक्या करत फिरायचा, मग गाववाले मला बोलायचे, शिव्या द्यायचे, मग मला गुस्सा आला. काल पण त्याला काम सांगितलं म्हणे मी की कपडे धु, पाणी आण, ऐकलं नाही. तर त्या गुस्सामध्ये मी त्या दोरीने त्याचा गळा आवडला आणि बॉडी टाकून चाललं गेलो. अशा प्रकारे मी तो उघडकीस आणला आहे. गुन्हा क्या नाम है आपका? मुझे बताइए ये जो बच्ची जो जिनकी डेट हुई है, बच्ची ही डेट हुई है, लड़का है, तो उनका पूरा नाम क्या है? उसका नाम गबरू गबरू बोलते थे सर, उसका नाम गुलशन था. गुलशन नाम था? हाँ, गुलशन. उनके पिताजी का नाम क्या है जिन्होंने उनको मारा है? संत लाल मनारी. ये एड्रेस कहाँ का है, कहाँ रहना है इनका वाला? पूरा देवी. आप उनके कौन लगते हो? मैं चाची लगती. चाची लगते हो? कहाँ रहना है आपका? हम बमनी फाटा में रहते हैं. बमनी फाटा में रहते हैं. बहुत बहुत मारते थे क्या उनको? सर पता चला हमको यहाँ आने के बाद में, बहुत मारते थे बोलते. आपको कब मालूम पड़ा कि ऐसा ऐसा घटना हो चुकी करके? ये नहीं, ये हमारे आने के बाद में हम लोग घर में गए ना, तब पता चला हमको ये लड़की ने दरवाजा खोली तो दिखा उसका पैर, तो इनने फिर हिला के देखी तो नहीं उठा वो, तो इनने पानी डाली उसकी मुंडी में, नहीं उठा फिर भी. तो इसने अपने पापा को बोली कि गबरू उठ रहा नहीं है, बोली गबरू नहीं उठ रहा, बोले तो उसने बोला ठीक है, बोले उठा के उसने दरवाजे के बाहर लाया, तो बोले कैसा हो गया करके, तो मैं घबरा गई. तो फिर मैंने मोबाइल का चार्ज जलाई तो उसने देखा तो क्या बोलता है, नहीं बोले ये तो मेला बोलते गेला, ऐसे बोलने लगा. हमारी जान घबरा गई तो हम रोने लगे, हम तो हमारे हाथ में थैला ही था सर, हम आए थे तो बच्चे की, वो जो बच्चा है उसकी उम्र क्या है? 10 साल की होंगी सर. स्कूल जाते है क्या वो? स्कूल जाता था सर. उनकी मम्मी नहीं है ना? मम्मी चली गई, मम्मी भाग गई. हम पहली बार आए थे सर, उनको वो लड़का को मैंने पहली बार देखी. कोपरी फ्लाईओवर वृक्ष कटाई के मामले में बीजेपी ने भी छलांग लगाई है. कोपरी फ्लाईओवर का भाजपा ने कड़ा विरोध किया है. भाजपा के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज नगर आयुक्त अभिजीत बांगर से मुलाकात की और गंभीर आरोप लगाया कि प्रशासन शिवसेना के दबाव में काम कर रही है. फ्लाईओवर का डिजाइन तकनीकी रूप से त्रुटिपूर्ण था और भाजपा प्रतिनिधि मंडल ने 20% अधिक के टेंडर को मंजूरी देकर कमिश्नर को हाई अलर्ट पर रखा था. हम इस फ्लाईओवर के खिलाफ है और बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने उम्मीद जताई है कि नगर आयुक्त इस काम को तुरंत रद्द कर देंगे. आम्ही आज माननीय आयुक्त महोदयांना जी अरेंजा कॉर्नर ते कोपरी उड्डाणपूल हे जे प्रशासनाने हाती घेतलेलं आहे त्यामध्ये 350 करोडचं हे टेंडर अनावश्यक आहे. एखादं राजकीय पक्षाला एखाद नेत्याला खुश करण्याच्या दृष्टिकोनातून नवी मुंबईतील जनतेची लूट करण्याचा प्रयत्न हे प्रशासनामार्फत होत आहे. एखाद्या नेत्याच्या हट्टापाही, एखाद नेत्याच्या म्हणजे सत्ताधारी जे नेते आहेत ज्यांनी ज्यांच्या माध्यमातून प्रशासक म्हणून आयुक्त काम पत्ताय नगरविकास विभागामार्फत त्या ठिकाणी
जो दबाव टाकून नवी मुंबई जनतेच्या 350 कोटी रुपयाचा लूट आणि त्याच्यातून निघणारा मलिदा हा त्या ठिकाणी कुठंतरी भविष्यामध्ये येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये वापरायची ही भूमिका सत्ताधारी पक्षांची आहे। पिछले 8 साल से भ्रष्ट ठेकेदारों द्वारा दिग्रस दारवा की सड़कों की खिल्ली उड़ाई जा रही है। दिग्रस से दारवा रोड का काम पिछले 6-7 सालों से बेहद धीमी गति से चल रहा है। दिग्रस दारवा रोड का निर्माण बेहद घटिया सामग्री से किया जा रहा है। दिग्रस दारवा सड़क आंशिक रूप से पूरी हो चुकी है। इसमें भी रिश्वत देने वाले ठेकेदार ने सचमुच सड़कों की छटाई कर दी है और बीच सड़क पर दोपहिया वाहनों के पहिए जितनी सड़कों पर दरारें पड़ गई है इन क्षेत्रों में दुर्घटना की संभावना अधिक रहती है। दिग्रस दारवा सड़क पहले से ही जर्जर अवस्था में है। सड़क पिछले एक पखवाड़े में सीमेंट कंक्रीट से पक्की है लेकिन गड्ढों के कारण इस सड़क पर कई दुर्घटनाएं हो रही है। सड़क बनाई जा रही है, सरकारी विधायकों, सांसदों, मंत्रियों को ठेकेदारों की रिश्वत के कारण सड़क सामग्री का प्रयोग कर सड़क उपयोगकर्ताओं द्वारा बनाई जा रही है। अगर हम बिना झगड़े विकास के लिए ईमानदारी से काम करें तो देश का सर्वांगीण विकास संभव होगा। लेकिन राज्य सरकार विकास पर ध्यान देने के बजाय एक दूसरे पर उंगली उठाकर एक दूसरे की बातों को निशाना बनाने की कोशिश कर रही है और प्रशासन से जनता मांग कर रही है कि ऐसे आलसी, फर्जी, निष्क्रिय, बेईमान कंप्यूटर ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया जाए। इन हादसों में कई लोगों की मौत हो चुकी है जबकि सड़क का काम चल रहा है। कई लोगों के हाथ पाँव चले गए हैं तो कई ने अपने परिवार खो दिए है। इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार एकमात्र ठेकेदार है। वीकेबी न्यूज के लिए यवतमाल से अजीत महिंद्रे की रिपोर्ट। और एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि नागपुर के तहसील पुलिस स्टेशन अंतर्गत एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है जिससे एक देसी कट्टा और कारतूस बरामद किए हैं। तहसील पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर इस घटना को अंजाम दिया गया है कि यह आरोपी बिहार का रहने वाला है। साथ ही वहां ये बॉम्ब ब्लास्ट के आरोप में फरार था। ये नागपुर में मोमिनपुरा अपने महिला मित्र के घर पर रह रहा था। तहसील पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर इसे गिरफ्तार किया है। पुलिस स्टेशन तहसील हद्दी मोमिनपुरा भागात माझे पुलिस स्टेशन से डीबी पृथक PSI भवाळ SI शनिवारे शंभू किरार यशवंत डोंगरे पंकज बागडे आणि पंकज निकम यांच्या पथकाला गोपनीय बातमीदारांमार्फत माहिती मिळाल्यानंतर त्यांनी छापा कारवाई केली आणि छापा कारवाईमध्ये आम्हाला एक देशी कट्टा आणि 2 काडतूस जिवंत काडतूस मिळाले। आरोपी जेव्हा ताब्यात घेतला आम्ही पोलीस स्टेशन तहसील अपराध क्रमांक 344/22 RMAC 325 सह 135 गुन्हा दाखल आहे पोलीस स्टेशन तहसील येथे। आरोपी ताब्यात घेतल्यावर त्याची माहिती काढली तर तो आरोपीचं नाव आहे मोहम्मद तन्वीर वल्द मोहम्मद मंजूर, वय 32 वर्ष, राहणार असानंदपूर भागलपूर जिल्हा भागलपूर आणि थाना कतारपुरा थाना येतो। तर इथला हा राहणारा मूळ आरोपी आहे। हा 4 दिवसापूर्वी पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत आलेला आहे आणि थाना ततारपूर येथील दाखल अपराध क्रमांक 387/22 17/5/22 रोजी दाखल आहे, 17 मेला दाखल आहे। या गुन्ह्यामध्ये हा फरार आरोपी आहे। या आरोपीवर यापूर्वी गुन्हे आहेत 2013 आणि त्यानंतर 2017 याच्याकडे एक्सप्लोजिव्ह ॲक्टनुसार एक गुन्हा थाना ततारपूर PS कोतवाली येथे दाखल आहे आणि याच गुन्ह्यामध्ये याची कोर्ट पेशी चालू असताना बिहार सेशन कोर्टामध्ये ततारपूर सेशन कोर्टामध्ये तिलक मांझी थाण्याच्या अंडर सेशन कोर्ट येतं कोर्ट पेशीला आला असताना हा बेड्या काढून पोलिसांचा नजर चुकवून हा पळून आला होता। त्यामुळे तिथं अपराध क्रमांक 387/IPC 224 दाखल आहे। तर हा असा आरोपी आम्ही ताब्यात घेतलेला आहे आणि त्यावर 325 RMAC कारवाई केलेली आहे। मग आरोपी तो कोणाकडे राहायचा आणि तो काय कामधंदे करायचा? आरोपी हा अन्सारी आहे। तो कोट ब्लेझर किंवा कपडे शिवण्यात एक्सपर्ट आहे, थोडक्यात टेलर आहे आणि तो या ठिकाणी भानखेडा येथे शबीना खान नावाच्या महिलेकडे राहत होता। ही महिला तिच्या 2 मुलांसह विधवा आहे, महिला तिच्या 2 मुलांसह येथे एकटी राहते। या ठिकाणी तो त्याने आसरा घेतलेला होता। म्हणजे आधीही याला नागपूरला असं अटक करण्यात आलं होतं आणि या महिलेकडे तो असं राहायचं असं माहिती आहे, तर काय यांच्यामध्ये काही संबंध वगैरे काही माहिती आहे? याच्यापूर्वी सुमारे 1 वर्षापूर्वी Unit 3 क्राईम ब्रांचच्या पथकाने याला ताब्यात घेतलं होतं। त्याही वेळी हा संबंधित गुन्ह्यात अपराध क्रमांक 17/2017 एक्सप्लोजिव्ह ॲक्ट Clause 3-4 यामध्ये हा कोतवाली PS थाना ततारपूर इथून हा फरारी होता। याच गुन्ह्यात गोपनीय माहितीद्वारा Unit 3 याला ताब्यात घेतले होते। ही जी महिला आहे ही त्याची मैत्रीण आहे आणि हा तिच्याबरोबर
रिलेशनशिपमध्ये इथे राहते. त्यांनी तिथे काही जो बॉम्ब्लास्ट केला होता त्यानंतर फरार तिथे एस पीला वगैरे त्यांनी काही चॅलेंज केलं होतं, तर त्यानुसार तिथली काही कारवाई वगैरे. बरोबर आहे. तत्कालीन तिथल्या एस पी ज्या होत्या त्यांना याने फेसबुक पोस्टद्वारे चॅलेंज केलं होतं पकडून दाखवण्याबाबत, आणि त्याबाबत त्यांनी कारवाई करून 2 महिन्यानंतर त्याला ताब्यात घेतलेलं होतं. यांनी आपल्या मित्राचा तिथे काही ब्लास्ट वगैरे करण्याची माहिती सांगितली. पूर्वीची त्याची हिस्ट्री आहे, तो ज्या ठिकाणी राहतो त्या ठिकाणी जमिनीच्या वादातनं 2 गटांमध्ये याच्या आणि याच्या विरोधात गटांमध्ये वाद आहे. याच्या वडिलांचा याच्या वडिलांना मारलं होतं काही आरोपितांनी आणि त्याचा बदला घ्यायचा म्हणून त्याने हा ब्लास्ट घडवून आणला. तो वीकेबी प्राइम टाइम न्यूज में आज इतना ही. आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज. नमस्कार.